जो लोग ये कहते थे कि धारा 370 के हटने के बाद लोकतंत्र किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में पनपेगा, आज जम्मू कश्मीर के वोटर ने उनको ये जवाब दिया है। आज का दिन हरियाणा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास के कार्यों की जीत है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनावी नतीजों को नकारती है तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी देश के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे को नकार रही है। जगदम्बा माँ दुर्गा के चरणों में नमन कर आज देश भर में सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। विशेष रूप से ये दुर्गा पूजा का आयोजन कुछ पत्रकारों द्वारा किया गया है तो आज पत्रकारों को इस स्वरूप में देखकर, भक्तों के स्वरूप में देखकर प्रसन्नता हुई कि पत्रकार अपनी कलम छोड़, रिपोर्टर छोड़, समाज के साथ माँ दुर्गा के चरणों में नतमस्तक है। इस आयोजन के लिए उन सबको बधाई देती हूँ। ये सवाल आज के दिन तो बनता है मैम, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि हम तो नकार रहे हैं हरियाणा। जो लोग ये कहते थे कि धारा 370 के हटने के बाद लोकतंत्र किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में पनपेगा, आज जम्मू कश्मीर के वोटर ने उनको ये जवाब दिया है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा गौरव है कि चुनाव जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आज का वर्डिक्ट डेवलपमेंट, नव भारत के निर्माण के प्रति लोगों के समर्पण का प्रतीक है। जहां तक हरियाणा में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विजय की मैं बात कहूं, तो आज का दिन हरियाणा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास के कार्यों की जीत है। जो कार्यकर्ता वर्षों से जमीन पर संघर्ष कर रहा था, जिस कार्यकर्ता, जिन स्वयंसेवकों की मेहनत से आज हम ये दिन देख रहे हैं और जिन वोटर के सहयोग से हम ये दिन देख रहे हैं, उन सभी को आज के लिए मैं विशेष अभिनंदन देती हूँ, बधाई देती हूँ। अगर वो ईवीएम पर अभी सवाल उठाते हैं तो, और वो ये कहते हैं कि हम हरियाणा की हार को नकार देते हैं, तो अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनावी नतीजों को नकारती है तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी देश के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे को नकार रही है।